दक्षिण एशिया में दुनिया की एक चौथाई जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र के देशों के सभी नेताओं की इस विशाल जनसमूह के विकास और प्रगति के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक अहम जिम्मेदारी है। उसे निभाने के लिए दक्षिण एशिया के इन सभी क्षेत्र के सभी लोगों को, राजनेताओं को, शासकों को, बुद्धिजीवियों को भी मैं आह्वान करता हूं, इस पूरे क्षेत्र में जितनी शांति होगी, जितना सौहार्द होगा, उतनी ही ये मानवता के काम आएगी, मानवता के हित में होगा। पूरी दुनिया का हित इसमें समाहित है। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। जहां रिश्तों में समरसता होती है, मेलजोल रहता है। मुझे खुशी है कि बीते कुछ समय में भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड के सभी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। पश्चिम एशिया के देशों से हमारे राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों की प्रगति में कई गुना तेजी आई है, विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है। इन देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कई देशों में, इन सभी देशों में, ज्यादातर देशों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन काम कर रहे हैं। जिस प्रकार इन देशों ने कोरोना के संकट के समय भारतीयों की मदद की, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया, उसके लिए भारत उन सभी देशों का आभारी है और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रकार हमारे पूर्व के आसियान देश, जो हमारे मैरिटाइम पड़ोसी भी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इनके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं हमें उनसे जोड़ती है। आज भारत इन देशों के साथ सिर्फ सुरक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि समुद्री संपदा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहा है।